नमस्कार राम राम मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत अभिनंदन आप लोगों का उत्कर्ष के इस ज्वलंत और क्रांतिकारी मंच पर। मैं आपका भाई हर्ष कुंडार आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं रीजनिंग की तरक्की वृक्ति दुनिया में। तो आप सभी को मेरे प्यारे भाई और बहनों को उत्कर्ष परिवार की तरफ से इस राष्ट्रीय पर्व यानी कि गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं लाड़ दूं। और जैसे कि आपको पता है कि भैया एग्जाम हमारा आ रहा है, नजदीक है, पढ़ाई जरूरी है और क्लास लेना ज्यादा जरूरी है। कल जो हमने क्लास पढ़ी थी क्वेश्चन नंबर 24 तक अपन ने पढ़ लिए, तो मैंने बोला था कि अगले क्वेश्चन नंबर उसके आगे तक लेके चलेंगे, क्योंकि वो जो बीड़ा हमने उठाया था महत्वपूर्ण प्रश्नों का वो अभी पूरा नहीं हुआ है। तो चलिए दोस्तों लेकर चलते हैं इसे अपने अगले वाले प्रश्नों पर। और आपका जो पहला प्रश्न है आज का, ये वही अपना वाला है घड़ी का समय का, कि अध्यक्ष महोदय ने साक्षात्कार लेने के समय सभा कक्ष में 9:30 बजे से 10 मिनट पहले प्रवेश किया। देखो, कोई अध्यक्ष महोदय है जिसने साक्षात्कार लेने का कोई टाइम था, उसने सभा कक्ष में 9:30 बजे से 10 मिनट पहले प्रवेश किया। तो 9:30 बजे से 10 मिनट पहले प्रवेश करेंगे तो बेटा 9:20 पर आपके अध्यक्ष महोदय आएंगे कि नहीं आएंगे, पहली बात। तो ठीक है, वे प्रबंधक निदेशक से 15 मिनट पहले आए। अगर ये प्रबंधक निदेशक से 15 मिनट पहले आएंगे तो 9:35 पर जो प्रबंधक है वो निदेशक आएंगे कि नहीं आएंगे, है ना। 9:35 पर आएंगे तो 15 मिनट पहले ही आ गए। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, जो कि 25 मिनट विलंब से आए जो कौन, प्रबंधक निदेशक। अब भैया 25 मिनट विलंब से अगर आएंगे तो यानी कि अगर 9:10 पर कोई प्रोग्राम था और अगर कोई बंदा 9:35 पर पहुंचा है तो मेरे लाडलो वो 25 मिनट विलंब से होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा कि साक्षात्कार का निर्धारित समय क्या था। तो बेटा साक्षात्कार का जो निर्धारित समय था वो 9:10 था। क्या आपको सवाल समझ में आया? 9:10 आपका साक्षात्कार का निर्धारित जो था वो समय था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। तो एक बस स्टैंड, ये भी गजब का सवाल है, करके देखिएगा, गजब का सवाल बेटा। देखो, एक बस स्टैंड से हर 40 मिनट पर कोटा के लिए एक बस रवाना होती है। चलिए बेटा, हर 40 मिनट पर एक बस रवाना होती है। मान लीजिए बेटा जयपुर से कोटा के लिए हर 40 मिनट पर एक बस रवाना होती है। ठीक है, एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि 20 मिनट पहले एक बस गई है तो अगले 20 मिनट के बाद आएगी। भाई अगर 20 मिनट पहले कोई बस गई है तो आने वाली जो बस होगी वो 20 मिनट के बाद आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि 40 मिनट का अंतराल होता है। ठीक है, 20 मिनट पहले एक बस गई है और अगली बस 10:35 पर आएगी, तो अगली बस 10:35 पर आएगी यानी 20 मिनट के बाद आएगी। तो बेटा अगर मुझे ये सूचना 10:15 पर दी होती तो 10:15 में अगर मैं 20 मिनट जोड़ता हूं तो 10:35 आते कि नहीं आते हैं। तो ये सूचना मुझे कब दी, कितने बजे दी? तो बेटा ये सूचना मुझे 10:15 पर दी गई। क्या आप सभी ने ये सवाल किया कि नहीं किया, एक बार जल्दी से आंसर बताएगा मेरे लाड़ दो। क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों का है 26 है, और जल्दी से आंसर बता दीजिएगा कि 10:15 पर यह आप लोगों के साथ आंसर आया या नहीं आया। ठीक है, अगला सवाल जो है वो आप लोगों के पास पेशे खिदमत है। सवाल क्या कह रहा है, देखो बेटा ये कह रहा है कि 4 और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में होगी। तो मेरे लाडो सभी को नमस्कार, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों, जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन क्लास देख रहे हैं सभी लोग एक बार सेशन को स्टार्ट कर दे और सेशन को शेयर कर दे भैया। यहां पर आपको बताना है कि भैया कोण कितने डिग्री का बनेगा जब यह विपरीत दिशा में होगा। अब विपरीत दिशा का मतलब क्या होता है, देखो 4 से 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में होगी। विपरीत दिशा का मतलब होता है बेटा 180 डिग्री का कोण होता है और 60/11 होता है और टाइम होता है कितना मुझे पता नहीं है, लेकिन प्लस माइनस का 6 अपन ले लेते हैं। उसके बाद बेटा यहां पर कहा जाता है कि बेटा प्लस का 6 तब लिया जाता है जब टाइम 1 से लेकर कितने बजे तक का होता है बेटा 5 बजे तक का, और माइनस का 6 तब लिया जाता है बेटा जब टाइम 6 से लेकर कितने बजे तक का हो, मेरे लाड़ दो 12 बजे तक का हो। चलिए तो अभी अपन देखते हैं, तो सवाल क्या कह रहा है बेटा कि यहां पर 60/11 हो जाएगा, यहां पर 4 आ जाएगा, 1 से 5 के बीच में प्लस का 6 लिया जाएगा 10 आ जाएगा। अगर मैं 600 में 11 का भाग लगा देता हूं तो 11 5 55, 11 चौक 54, 6/11 आंसर आ जाएगा बेटा 4:54 सही
6/11 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण बनेगा और 4:54 सही 6/11 यह आप लोगों का आंसर आ चुका है। क्या मैं आपको समझा पाया भाई, जल्दी से बता दीजिएगा, क्या मैं समझा पाया भाई, आंसर बताएं, जल्दी से बताएं, फटाफट बताएं और हेलीकॉप्टर बना दे बेटा सवाल को, ठीक है। अगले सवाल के बाद चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। 9 से 10 बजे के बीच पहली बार का मतलब है घंटे तथा मिनट की सुई के बीच 30 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा। देखो यार, यहां पर कोण ज्ञात करने की बात है, ये ऐसे कह रहा है कि बेटा 9 से 10 बजे के बीच पहली बार, है ना, पहली बार यानी टाइम होना चाहिए पहली बार 30 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो पहले तो आप इस चीज को देखो कि आखिर दो बार बनता है, हर चीज आपको व्यवस्था के साथ बताई जाएगी बेटा, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है और ये 9 है, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और ये 11, 9 से 10 बजे के बीच। तो बेटा आप मुझे एक बात बताओ, ये टाइम 9 बजे का है कि नहीं है, ठीक है। अब अगर ये टाइम 9 बजे का है तो आप एक बात बताइएगा, मिनट वाली सुई अपनी गति से घूमती हुई आएगी, है ना बेटा, अपनी गति से घूमती आएगी, चलती 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 आती है और 9 से थोड़ा सा आगे और मिनट वाली सुई थोड़ा सा यहां पर आ जाता है। तो ये जो कोण है, ये वाला कोण, ये 30 डिग्री का हो सकता है कि नहीं हो सकता है, जब मिनट वाली सुई 9 से पहले हो और उसके बाद बेटा अगर मान लो मिनट वाली घंटे वाली सुई यहां पर आ जाए और मिनट वाली सुई लगभग यहां पर आ जाए, तो ये वाला जो कोण है ये भी तो 30 डिग्री का हो सकता है। तो 30 डिग्री का कोण दो बार बनता है। अब कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला अपने पास क्या था बेटा, आपको पता है कि थीटा बराबर 11/2 m और माइनस टाइम गुणा में 30, ये था। चूंकि दो बार बनेगा तो एक बार माइनस और एक बार प्लस, पहली बार कब बनेगा अभी दोनों टाइम देख लेंगे। पहली बार का मतलब है कि 9:30 से पहले का जो समय होगा, है ना, पहली बार, है ना, तब कब बढ़ता है कि कब बढ़ता है, 9:30 पहले बढ़ेगा कि 9:40 पर बढ़ेगा कि 9:45 पर बढ़ेगा, है ना, क्योंकि अगर घंटे वाली सुई से ज्यादा हो तो 45 मिनट के जो बाद समय आएगा वो 9 बजे के बाद वाला होगा, 9 बजे से पहले पहले वाला समय देखते हैं। तो पहली बार वाला सूत्र, तो देखो यहां पर अगर अपन प्लस का साइन लेंगे तो पहली बार वाला समय आ जाएगा, माइनस कर लेंगे तो बाद वाला, करके देखते हैं। थीटा बराबर बेटा 30 है, 11/2 m है और प्लस लूंगा टाइम है 9 और गुणा में 30, ठीक है। आगे अगर मैं बात करता हूं तो बेटा यहां पर 30 आ जाएगा बराबर 11/2 m आ जाएगा, प्लस का 9 × 27 आ जाएगा, ये उधर जाकर माइनस होगा कि नहीं होगा बेटा, जब उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 240 आ जाएंगे, तो 11/2 m बराबर 240 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का आएगा, माइनस की कोई वैल्यू अपने वाले फॉर्मूले में रहती नहीं है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ठीक है, कि भाई ये जब माइनस का होगा तो इस वाले फॉर्मूले में माइनस का कोई कंसेप्ट रहता नहीं है। तो मिनट बराबर क्या हो जाएगा बेटा, तो 240 गुणा में 2 और बटे 11, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा 480 का भाग किस में लगा देंगे, 11 में लगा देंगे, 11 का भाग लगा देंगे, तो 11 × 44, 4 × 0 = 33 और 7/11, तो आपका जो पहला आंसर आएगा वह आएगा 9:43 से ही 7/11, तो ये पहली बार बन जाएगा। तो अभी आपका जो आंसर देखा होगा आपने इसमें, तो 9:43 से ही 7/11, तो बेटा आपका आंसर ये वाला होगा। लेकिन अगर आपको इसमें दूसरा आंसर निकालना हो, माइनस का कंसेप्ट निकालना हो, तो क्या करोगे, तो देखो बेटा यहां पर तो 30 था या 11/2 m था और माइनस के 9 × 27 हो जाएंगे, जब आप इसको प्लस करेंगे तो 270 में 30 जोड़ोगे तो 300 हो जाएगा, तो 11/2 m बराबर कितना जाएगा बेटा 300 और मिनट बराबर हो जाएगा बेटा 600/11, तो आप क्या करोगे 11/5 = 55 हो जाएगा बेटा, 5 × 11 = 44 और 6/11 आंसर जो आपका आएगा बेटा वह आएगा 9:54 से 6/11। तो आपको पहली बार जब बोला जाए कि पहली बार 9 से 10 बजे के बीच में आपका 30 डिग्री का कोण कब बन रहा है, तो 9:43 से 7/11 पर, बाद में कब बनेगा बेटा 9:54 से 6/11 पर। क्या मैं समझा पाया, अगर समझ में आया हो तो कमेंट सेशन में एक बार हाँ लिख दीजिएगा ताकि मैं समझ जाऊं, मैं देख लूं कि भी आपका आंसर आ रहा है, जल्दी से बताएंगे लाडलो, फटाफट बताएं बेटा। चलिए शानदार, जानदार, लवाबदार, फटाफट बताएंगे लाडलो, जल्दी से अगले सवाल की तरफ अपन चलते हैं। देखो एक घन को सभी 6 ओर से, घन वाला सवाल आ गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 29 है ना, ढंग से देखना। एक घन को सभी
छह ओर से लाल रंग से रंगा जाता है, फिर उसे 27 बराबर घनों में काटा जाता है। बताइए कितने घन ऐसे जो केवल एक ओर से रंगे हुए, जिनकी केवल एक फलक रंगी हुई है। तो देखो बेटा क्या कह रहा है कि एक कोई घन है, इसको पूरे के पूरे घन को आपको सभी फलकों पर लाल रंग से रंगा जाता है ना बेटा। किस रंग से रंगा जाता है? लाल रंग से। देखो ये लाल रंग से रंग दिया। अब लाल रंग से रंग तो दिया, अब रंगने के बाद कुल छोटे छोटे टुकड़े है ना, कुल टुकड़े 27 किया गया। तो बेटा मैं आपको बता देता हूं, कुल टुकड़े का जो फॉर्मूला होता है वो एन क्यूब होता है, एन क्यूब बराबर 27 है, तो एन बराबर 27 का क्यूब रूट आ जाएगा, यानी एन बराबर हो जाएगा बेटा 3, है ना, एन बराबर 3। अब आपको यह बोला जा रहा है कि ऐसे कितने पासे हैं जिनकी एक ओर से रंगे, जो केवल एक फलक पर रंगे, केवल एक। तो केवल एक फलक रंगा वाला जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है बेटा 6n-2 का होल स्क्वायर। 6 है, एन बराबर कितना आ गया बेटा अपने पास 3 है, 3 में से 2 जाएगा 1, 1 का होल स्क्वायर 1। तो बेटा यहां पर आपका जो आंसर आएगा वो 6 ही आएगा। तो 6 पासे ऐसे होंगे जिनकी केवल एक फलक रंगी हुई होगी, 6 पासे ऐसे होंगे जिनकी केवल एक फलक रंगी हुई होगी। बात समझ में आई कि नहीं बेटा? पासा जब टोटल टुकड़े दिए गए उसका क्यूब रूट निकाला, जब तक एन की वैल्यू नहीं आएगी एन से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे लाडलो। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 30 की। आपको बोला है कि नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, देने तो बेटा शाबाश, बहुत बेहतरीन स्थिति है, देनी भी चाहिए। ठीक है, एक पासे की दो स्थितियां दी गई है, तो बताइए एंड वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा। तो भाई देखो सीधी सी बात है, आपके पास कॉमन क्या है, यहां पर स्टार है, तो इसमें एक सीधी सी सारणी बना लीजिएगा। स्टार ये आ गया है, स्टार ये आ गया है, स्टार से क्लॉकवाइज चलेंगे बेटा परसेंटेज आ जाएगा, फिर क्लॉकवाइज चलेंगे तो बेटा ये एंड स्टॉप ही आ जाएगा, फिर ये चलेंगे तो बेटा डॉलर साइन आ जाएगा, आगे चलेगा नहीं। एक सेकंड, स्टार से क्लॉकवाइज चलेंगे परसेंटेज आ जाएगा, फिर ये यहां आ जाएगा, फिर इस स्टार से चलेंगे तो बेटा डॉलर साइन आ जाएगा, और ये जोकर की टोपी वाला ये जो भी निशान है वो आ जाएगा। आपसे पूछा गया कि एंड स्टॉप वाले के अपोजिट क्या आएगा, तो बेटा इसके अपोजिट ये वाला आ जाएगा, ये वाला। डन, क्लियर है? तो भैया आपका आंसर आ जाएगा बेटा बी ऑप्शन, ऑप्शन बी जो होगा वो आपका आंसर होगा। यहां पर क्या बोला जा रहा है बेटा कि क्यू फलक के विपरीत फलक पर अक्षर ज्ञात कीजिएगा, यानी क्यू के अपोजिट आपको जो फलक आ रहा है वो आपको ज्ञात करना है, क्यू के अपोजिट जो आपको फलक आ रहा है वो आपको ज्ञात करना। तो बेटा पहले और तीसरे से आप कंपेरिजन कर सकते हो, पहले और तीसरे से आप कंपेरिजन कर सकते हो। तो बेटा टी ऊपर है और टी नीचे है, ठीक है, टी से क्लॉकवाइज चलेंगे तो पी मिलेगा, तो बेटा ये पी रहा, पी से क्लॉकवाइज चलेंगे तो आर मिलेगा, टी से क्लॉकवाइज चलेंगे तो बेटा यू मिलेगा, यू से क्लॉकवाइज चलेंगे तो बेटा क्यू मिलेगा। तो क्यू के अपोजिट आर और आर के अपोजिट क्यू, क्यू के अपोजिट आर और आर के अपोजिट क्यू, तो बेटा क्यू के अपोजिट आर आ जाएगा, ये डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ये बेसिक तरीका है बेटा, बेसिक सवाल है आप लोगों के, जो कि हम लोग करते हैं कहां, पासे के अंदर, है ना, बेसिक टाइप थर्ड का सवाल है जो मैंने कई बार पढ़ाया हुआ है ना, जब कोई एक फलक कॉमन होती है तो किस तरीके से उसको डील करते हैं। अब जैसे यहां पर ये एक पासे की चार अलग अलग स्थितियां नीचे दी गई है, बताइए छह के विपरीत क्या होगा। तो पहला काम तो ये देखो कि आप एक बात देखो कि ये छह है, अकेला छह देख लो, और छह के साथ में दो और चार है, तो आप बाकी की चीज देखो, ऐसा कौन सा पासा है जिसमें दो और चार आपको दिख जाए, आपका काम ज्यादा आसान हो जाएगा। तो बेटा देखो दो और चार अपने पास ये दिख रहे कि दो और चार ये है, तो आप केवल इन दोनों का कंपैरिजन करोगे। जब कोई दो फलक कॉमन होगी तो दो चार से दो चार काट दो, दो चार से दो चार काट दो, और छह के विपरीत क्या आ जाएगा एक, और एक के विपरीत क्या आ जाएगा छह, तो छह के विपरीत एक आ जाएगा, एक के विपरीत छह आ जाएगा। पूछा क्या है बेटा छह के विपरीत, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा एक। क्वेश्चन नंबर 32 में आपका जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा एक। क्या मैं समझा पाया भाई? लाडो समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करें। तो बेटा यहां पर कह रहा है कि तीन बिंदु सतह के विपरीत क्या होगा, यानी जो तीन बिंदु सतह है उसके विपरीत क्या होगा। तो देखो ये तीन है, अगर कहीं पर दो और एक मिल जाता है तो मजा आ जाता है, वरना तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, ये तीन बिंदु है, ये तीन बिंदु है बेटा,
अगर आपके पास यहां पर तीन बिंदु के विपरीत छह बिंदु और चार बिंदु वाला कहीं मिल जाए, तो देखो बेटा छह बिंदु ये रहा, चार बिंदु, तो चार और छह, चार और छह कट गया, तो इधर क्या बचा तीन और इधर बता पांच, तो तीन के विपरीत बेटा जो पांच बिंदु है वो आपका आंसर आ जाएगा ना। तीन के विपरीत जो बेटा पांच बिंदु वाला कंसेप्ट है वो आपका इजी वे में आंसर आ जाएगा। क्या मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूं भाई? एक बार जल्दी से फटाफट अगले सवाल की तरफ चलते हैं बेटा। क्या कह रहा है? गजब के सवाल है बेटा। देखो, एक बड़े घन को 125 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, ठीक है? तो बेटा देखो, एन क्यूब की जो वैल्यू है वो 125 है और एन बराबर 5 होगा, चलो यहां तक ठीक है। ठीक है, यदि छोटे घन की भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो बड़े घन की भुजा की माप बताओ। तो बेटा देखो, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि बड़े घन की भुजा में, बड़े घन की भुजा में अगर आप भाग देते हो छोटे घन की भुजा का, है ना, छोटे घन की भुजा का, तो वैल्यू आती है एन की। अब आपसे पूछा है कि बेटा बड़े घन की भुजा बताइए, तो वो तो बेटा मैंने एक्स मान ली, छोटे घन की भुजा आपको चार दे रखी है और एन बराबर मैंने निकाल ली बेटा पांच, तो वज्र गुणा कर सकते हो एक्स बराबर 5 × 20, तो x बराबर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जो बड़ा घन है बेटा उसकी जो भुजा की लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, है ना बेटा। x बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 20 सेंटीमीटर जो है वो आपका आंसर यहां पर आ सकता है। क्लियर है? आगे हम बात करते हैं भाई। तो नेक्स्ट कंसेप्ट की अगर मैं बात करता हूं, 49 सेंटीमीटर एक बड़े भुजा वाले घन के सभी फलकों पर बैंगनी रंग से रंगा जाता है, इसे 7 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनका केवल एक फलक रंगा हुआ हो, जिनका केवल एक फलक रंगा हुआ हो। तो बेटा 7 सेंटीमीटर छोटे छोटे वाले भुजा वाले पर, तो n बराबर क्या होता है देखिएगा, n बराबर क्या होता है बेटा कि बड़े पासे की भुजा में छोटे पासे की भुजा का भाग देना। तो ये जो बड़ा वाला पासा है, बड़ा वाला पासा है, इसकी भुजा है बेटा कितने सेंटीमीटर है? 49 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो छोटा वाला पासा है, और जो छोटा वाला पासा है बेटा, इसकी भुजा हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो n बराबर क्या होता है? बड़े पासे की भुजा में छोटे पासे की भुजा का भाग दे दो, तो 49 में बेटा 7 का भाग दोगे, तो 7 सेंटीमीटर n बराबर आ गया। अब केवल एक फलक रंगा हुआ, तो बेटा फॉर्मूला होता है 6n-2 का होल स्क्वायर, तो 6 है, एन बराबर 7, 7 में दो गया उसका होल स्क्वायर, 5, 5 का होल स्क्वायर 25, और 25 का 150, तो बेटा जो 150 जो होगा, है ना, वो होगा आपका आंसर ऑप्शन ए, 35वें में ऑप्शन ए। पासे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनमें अब तक आपने इजी वे में क्वेश्चंस देखे होंगे बेटा, ये भाषा वाले सवाल है जो आपको पीछे की तरफ दिखाई दे रहे, जो आपके साथ काफी मजबूती के साथ भाषाओं से खेले जा रहे, तो इन सवालों के साथ जब आप अपना आंसर देते हैं तो काफी मजेदार और काफी बेहतरीन रहता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं मेरे लाडलो कि अंतिम 2 दिन का ये ऑफर रह गया है। अगर आपका जज्बा है तैयारी कर सरकारी नौकरी को ख्वाब में पालना, तो मेरे लाडलो, जो बच्चे बाहर बड़े शहरों में आकर ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए उत्कर्ष लेके आया है एक बहुत बड़ा उपहार इस गणतंत्र दिवस पर, इस रिपब्लिक डे ऑफर पर। मात्र अंतिम 2 दिन रह चुके हैं बेटा, हमारे एसएससी के सभी लाइव और रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्सों पर 90% तक की हम आपको छूट दे रहे हैं, और ये जो छूट है अंतिम 2 दिन तक है, यानी आज और कल तक ये छूट आप लोगों की रहने वाली है। तो करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाकर जल्द ही अपना उत्कर्ष एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और अपना जो कोर्स है उसको परचेज करना है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। तो अगला जो सवाल रहने वाला है लाडलो वो ये रहा, उरा भाई मार दिया भाई, अरे मार दिया भाई, मार दिया, हेलीकॉप्टर बना देंगे भैया इसको तीतरी ने। तो देखो बेटा जल्दी से अगर सवाल की मैं बात करता हूं, तो इस सवाल के साथ क्या घटना घट सकती है? खुला हुआ पासा है, तो बेटा देखो खुले हुए पासे 2 तरीके से आते हैं, यहां पर दोनों तरीके के खुले हुए पासे हैं। मैंने पहले भी बताया था, मैं अभी भी बताना चाहता हूं कि जब भी ओपन क्यूब आता है खुला हुआ पासा, खुला पासा, इसमें एक तो सीधी लेयर आती है जहां पर आप कुछ इस तरीके से जैसे नंबर लिख दिया, और यहां पर कुछ इस तरीके से ये नंबर लिख दिया, तो हम क्या करते हैं बेटा, हम क्या करते हैं कि जैसे एक नंबर से स्टार्ट करते हैं, तो एक से अगले पर कूदेंगे, है ना बेटा,
एक से जैसे पहले नंबर से स्टार्ट किया तो उसका अगला छोड़ देंगे, उसके अगले से कूदेंगे तो एक के अपोजिट तीन आएगा। अब दो से तो दो का अगला छोड़ेंगे तो उसके अगले पे कूद जाएंगे तो दो के अपोजिट चार आ जाएगा। इसके अलावा बेटा जो बचता है वो एक दूसरे के अपोजिट आ जाते हैं, तो यानी पांच के अपोजिट क्या आ जाएगा, छह। और अभी हाल ही में एक अलग कंसेप्ट आता है बेटा जो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, जहां पर इस तरीके से काम नहीं होता है, जहां पर होता है बड़े ही बेहतरीन तरीके से काम, एक दो तीन चार पांच और छह, ये ऐसे, ठीक है। तो अब बेटा आपसे पूछा जाएगा कि सर यहां पर एक के विपरीत बताओ, तो यहां पर अब इस तरीके का नहीं कूदा जाएगा बेटा, यहां क्या होगा जो कॉर्नर वाला होगा उसके अपोजिट क्या होगा, जो अगले दो फलक होंगे उन्हें बिल्कुल छोड़ दिया जाएगा, अगले दो छोड़ दिया जाएगा, इससे जो तीसरा वाला है वो इसके अपोजिट आएगा, यानी एक के अपोजिट चार आ जाएगा, ये कॉर्नर वाला है बेटा। उसके आगे की बात करूं, जैसे ये छोटा वाला है, ये कॉर्नर है, तो इससे अगले दोनों को छोड़ देंगे और छह के अपोजिट तीन आ जाएगा, तो छह के अपोजिट कितना आ जाएगा बेटा, तीन। अब बच क्या गया बेटा, पांच और दो, तो वो एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे। तो इस तरीके से इन दोनों को यहां पर डील किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं सवाल की, तो यहां देखो बेटा, यहां एट द रेट ऑफ के अपोजिट तो डॉलर साइन आ जाएगा, यानी एट द रेट ऑफ के अपोजिट क्या आ जाएगा बेटा, डॉलर साइन। लेकिन अगर मैं बात करता हूं यहां पे, अगर मैं बात करता हूं बेटा परसेंटेज की, परसेंटेज की बात करता हूं, तो इसके अगले दोनों को छोड़ दो और इसके तीसरे पे आ जाओ, तो परसेंटेज के जो अपोजिट है वो आपका आ जाएगा बेटा ये। अब बच कौन सा गया बेटा, हैशटैग बच गया एक तो, और एक बच गया स्टार। तो अब आपसे पूछा क्या बेटा कि नीचे दी गई व्यवस्था से एक बड़ा घन बनाया जाता है, प्रतीक प्रतिशत के सामने वाले फलक पर कौन सा होगा, तो बेटा एंड वाला सिंबल होगा प्रतीक प्रतिशत के। ये आ गया, समझ में आया कि नहीं आया बेटा, एक बार कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएंगे बेटा, जल्दी से समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे लौट दो। चलिए फटाफट फटाफट नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हेलीकॉप्टर बना दो बेटा। चलिए आपके पास समय है मुश्किल से 30 सेकंड का, और सवाल को हेलीकॉप्टर बनाएगा फटाफट। चलिए मेरे लाड़ दो, जबरदस्त तरीके से, गजब की ताकत है। चलिए बाबूज, सत्ताईस छोटे छोटे घनों से मिलकर बने एक ठोस घन के दो विपरीत फलक, वाह। देखो बेटा टोटल छोटे छोटे घन है 27, तो एन क्यूब की वैल्यू है 27, तो एन बराबर यहां पर तीन है, ध्यान दीजिएगा। दो विपरीत फलक लाल से, दो विपरीत फलक पीले से, और दो अन्य विपरीत फलक सफेद रंग से रंगे हुए हैं। चलो भाई यहां पर क्या कह रहा है बेटा, आराम से देखना, थोड़ा तसल्ली के साथ हम सवाल को देखेंगे। दो विपरीत फलक तो लाल से रंगे हैं बेटा, तो मान लीजिए कि ये लाल है, ये लो भैया, ठीक है, और दो विपरीत फलक पीले रंग से रंगे हैं, और दो विपरीत फलक पीले रंग से रंगे, तो लो बेटा ये है पीले रंग से, लो भाई, और दो विपरीत फलक सफेद रंग से रंगे हुए, यही ना। तो देखो समझो, अगर ये लाल है तो बेटा नीचे वाला भी लाल होगा, ये वाला भी लाल होगा, उधर वाला पीला होगा, और इधर वाला जो हो जाएगा वो सफेद हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, तो बताइए कितने छोटे घन केवल पीले और सफेद रंग से रंगे हुए हैं। तो लाडलो देखो, पीले और सफेद रंग से रंगे हुए हैं, यानी दो फलक। तो पहले तो आपका आंसर निकालना पड़ेगा, ऐसे पासे ढूंढो जिनकी केवल दो फलक रंगी हुई हो। तो फॉर्मूला होता बेटा 12 आपके पास है, एन बराबर तीन है, तीन में से दो जाएगा एक, और 12 एकम 12, ये जो 12 पासे हैं, ये जो कॉम्बिनेशन है बेटा, ये लाल के साथ पीले भी हो सकते हैं, मेरे लाडलो लाल के साथ ये सफेद भी हो सकते हैं, और मेरे लाडलो पीले के साथ सफेद भी हो सकते हैं।
अब आपको एग्जामिनर ये पूछता है कि नहीं यार मुझे तो एक बात बता, मुझे यह बात पसंद नहीं आई, मुझे तो बता इनमें से पीला और सफेद, जो पीला और सफेद है वो कितने होंगे। तो बेटा टोटल दो फलक वाले 12 हैं और रंग तुम्हारे पास कितने हैं, तीन। तीन रंग है तो तीन का भाग लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा 4। तो लाल और पीले वाले भी 4 होंगे, लाल और सफेद वाले भी 4 होंगे, लाल और पीला और सफेद वाले भी 4 होंगे। लेकिन बेटा ये रंगों का भाग तभी लगेगा जब ये जो कलर है ना, कलर इनकी विपरीत फलक पर हो। अगर लाल यहां था, लाल यहां था, तो इस तीन का भाग नहीं चलता। फिर अपन बात करते किसी और से, जो जुगाड़ होता है। अब जैसे जुगाड़ की बात करें तो देखो बेटा, दो फॉर्मूले वाला जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 12n-2। अब आपको ये बोल रहा है संयोग, देखो संयोग वाले सवाल से कैसे करते हैं कि सफेद और पीले का संयोग किस किस के साथ होगा, कितनी बार होगा। तो देखो बेटा, इस सफेद का संयोग इस पीले के साथ एक बार है और इस सफेद का संयोग उस पीले के साथ दो बार है। इस वाले सफेद का संयोग इस पीले के साथ तीन बार है और ये कितने बार है, 4 बार है। तो 4 संयोग है तो 12 की जगह 4 लिख दो, डायरेक्ट 4 लिख दोगे, एन माइनस 2 कर दोगे तो 4 यहां पर आ जाएगा। एन बराबर 3, 3 में से 2 गया 1, 4 एकम 4। तो आप संयोग से भी अपना आंसर निकाल सकते हो। ये पूरी विधि, ये पूरा तरीका मैंने यूट्यूब पर पढ़ाया हुआ है, क्यूब एंड डाइस वाला जो टॉपिक है उसके अंदर। आप वहां जाकर विदाउट फॉर्मूले से केवल और केवल कॉम्बिनेशन के साथ, यानी संयोग के साथ भी आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, लाड़ दो, ठीक है। मन में कोई गलत विचार हो, कोई उद्दंडता हो, कोई मरोड़िया सी चल रही हो तो तुरंत बता दीजिएगा बेटा, ठीक है। अगले सवाल की बात देखिए, एक 5 सेंटीमीटर के घन की सम्मुख सतहों को, यानी अपोजिट सतहों को काले पीले व रंग से रंग दिया गया है, एक एक सेंटीमीटर के टुकड़ों में काट लिया गया है, ठीक है। तो बेटा देखो, n बराबर आपके पास 1 है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं, n बराबर 1 नहीं है बेटा, बड़े पासे की भुजा जो है, समझो बड़े जो पासे की भुजा है वो 5 है और जो छोटे पासे की भुजा है वो 1 है। तो n बराबर 5 में 1 का भाग दे दोगे तो 5 आ जाएगा। तो n बराबर अपने पास 5 है। जिनकी केवल एक सतह पर काला रंग हो, जिनकी केवल एक सतह पर क्या रंग हो बेटा, काला रंग हो। तो यहां पर भी मैं आपको एक बार रंग बनाकर बताऊंगा बेटा, है ना, ताकि आपके पास संयोग और कॉमन सेंस वाले सवाल हो जाए। ये ऐसे कह रहा है कि भैया कि 5 सेंटीमीटर घन की सम्मुख सतहों को क्रम से काले पीले व हरे रंग से रंगा गया। तो एक को तो काले रंग से रंगा गया बेटा, देखो ये काले रंग से रंगा गया, तो इसको मैं काला रंग बना सकता हूं, ये लो भाई, है ना। अब हरा आएगा तो ये लो हरा, समझने की कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिकली चीजें समझाई जाती हैं तब आप ध्यान दीजिएगा करें बेटे। और अब पीले रंग की बात करते हैं, ये रहा पीला, पीला इस बार गहरा करेंगे, ये रहा बेटा पीला। अब इनको रंग दिया है, रंगने के बाद, अच्छा ये अपोजिट फलक पे है तो आपको पता है अगर ये काला है तो नीचे भी काला होगा, है ना बेटा, और ये इधर पीला है तो इधर भी पीला होगा और पीछे हरा है तो इधर भी हरा होगा। अब आपसे ये बोला जाए कि ऐसे कितने हैं जिनकी एक सतह पर काला रंग हो। तो यार एक सतह पर काला रंग हो तो पहले तो ये देखो कि आखिर एक सतह पर रंगे हुए फलक कितने हैं। 6n-2 का होल स्क्वायर, ये 6 है, एन बराबर कितना जाएगा 5, 5 में से 2 का होल स्क्वायर, 3 × 3 = 54। 54 पासे ऐसे हैं जिनकी एक फलक किससे रंगी होगी, लाल से रंगी जा सकती है, जिनकी एक फलक किससे रंगी जा सकती है, पीले से रंगी जा सकती है, जिनकी एक फलक हरे से। अब ये बोल रहा है कि मुझे तो केवल काला रंग चाहिए, केवल काला रंग चाहिए। तो बेटा काला रंग अगर इनको चाहिए तो देखो टोटल एक फलक वाले 54, रंग कितने हैं 3, लगा दो 3 का 18 × 3 = 54, 18 आ जाएगा। तो 18 ही लाल वाला आ जाएगा, 18 ही पीला वाला आ जाएगा, 18 ही हरा वाला आ जाएगा। तो देखो बेटा ऑप्शन में 18 लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि अगर ये विपरीत नहीं होते तो ये 3 का भाग नहीं लगता, तो एक फलक रंगे हुए कितने होते बेटा, 6n-2 का होल स्क्वायर। तो आपको एक फलक जो रंगा हुआ है काला, वो कितने संयोग होंगे, एक ऊपर रंगेगा एक नीचे रंगेगा, तो 6 की जगह 2 रख दो, 2 बार, तो लो भैया 2n-2 का होल स्क्वायर, 2, 5 में से 2 का होल स्क्वायर।
तो पांच में से तो जो दो जाएगा तीन, तीन का स्क्वायर नौ और नौ दूनी 18, ये आपका आंसर वैसे भी आ सकता है। मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों के जो आंसर है वो संयोग से भी आ सकते हैं बेटा, और आप लोगों का आंसर फॉर्मूले से भी आ सकते हैं। लेकिन जब रंग विपरीत फलकों पर होंगे, रंग जब विपरीत फलकों पर होंगे तो ही आप रंग जितने रंग है उसका भाग लगा सकते हो। इसके बाद अगर जो रंग होंगे वो अपोजिट फलक पर नहीं होकर अगर पड़ोसी फलकों पर हुए तो बेटा हाबू बन जाओगे, मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो हाबू नहीं बनना, बाबू बनना है। चलिए अगला सवाल। ये बेटा काफी अच्छा सवाल है, आप लोगों के पास काफी बेहतरीन सवाल बनने को आए और यहां पर दिमाग की तीतरिया खुलने वाली है आपकी। यह है डाटा इनइक्वालिटी, और मुझे लगता है कि चांस बनते हैं कि इस सवाल के कि आपके जीवन में सवाल बाहर एक बहुत बड़ा भूकंप सा लेकर आएगा। तो आपको बताना कि इसमें से कौन सा कंसेप्ट सही है, तो पहले तो आप इसको जमा लो। वैसे भी देख सकते हो पहला ऑप्शन है ए बड़ा है एच से, तो ए एच से बड़ा है क्या, अभी तक तो नहीं पता लग रहा है। देखो बेटा एम बड़ा है ओ से, ओ बड़ा है ओ से, जी बड़ा है, ठीक है करके देखते हैं बेटा, करने से होगा। इनको जमा लेते हैं पहले, है ना। तो सबसे पहले क्या जमाएंगे कि जी है वो छोटा है बेटा आई से, आई छोटा है या बराबर है सी के, और सी बराबर है बी के। अभी कहीं पर जी आ रहा है, ये आ रहा है जी, ठीक है। अब जी बड़ा है किससे बेटा, देखो यहां पर इसको आगे कर लेते हैं, ये ना जी जो है वो एच से बड़ा है, तो यहां पर जी ऑलरेडी था तो मैं इसको एच यहां लिख सकता हूं, और एच बड़ा या बराबर है एम के, मैं एम यहां लिख सकता हूं, ठीक है। आगे क्या बोल रहा बेटा कि एम बड़ा या बराबर है किसके, ओ के, अच्छी बात है बेटा एम ओ के बड़ा बराबर है, तो एम जो है वो ओ से बड़ा या बराबर हो जाएगा, ये ओ से, और ए ओ से बड़ा है तो ए जो है वो ओ से बड़ा हो जाएगा। तो ये जो पूरी लाइन है ये कुछ इस तरीके से है। आप लोगों ने दो दो लुगाई वाला कंसेप्ट मेरे पास सीखा होगा, आप लोगों को मैंने दो रानी जेठानी कंसेप्ट सिखाया होगा। तो अब आप लोग यहां पर सामने थोड़ा सा नजारे देखने की कोशिश कीजिएगा। यह बोल रहा बेटा कि ए बड़ा है एच से, तो बेटा ए से एच की तरफ जाता हूं तो दो रानी और जेठानी वाला कंसेप्ट आता है, संभावना आता है, मतलब हम कुछ कह नहीं सकते। बी बड़ा है किससे, एम से, तो बी अगर एम से बड़ा है तो देखो बी से एम तक जाते हैं, तो बेटा देखो यहां पर क्या रहा है, सी और बी ये बड़ा कॉमन है, ये बड़ा कॉमन है, ये बड़ा कॉमन है, ये बड़ा कॉमन है और ये बड़ा कॉमन है, तो बी बड़ा होगा एम से, तो ये दूसरा तो सत्य है। अब आई बड़ा है किससे, ओ से, अब यार देखो आई ओ से बड़ा है तो ओ से आई तक जाएंगे तो कॉमन बड़ा 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 और बड़ा, तो बेटा ये भी सही होगा। तो दूसरा और तीसरा सत्य होगा, यानी डी जो ऑप्शन होगा वो आपका कतई सत्य ऑप्शन होने वाला है। डी ऑप्शन इज द फंटेस्टिक, बहुत बढ़िया शानदार धमाकेदार, है ना बेटा। तो इस तरीके से आप इन सवालों को कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इतना कोई डील नहीं है, कोई बहुत बड़ी इतना कोई इसमें फफूंदी नहीं है ना, आराम से तीतरी कर सकते हो बेटा। अगले सवाल की बात करते हैं, देखो नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल भी बड़ा प्यारा है, इसको भी अपन जमाना तो सीख ही यार, बिना जमाए तो मामला बैठेगा नहीं ना। तो देखो अगर मैं जमाता हूं इसको तो क्या किया जाएगा बेटा, देखो पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, क्यू इज ग्रेटर देन आर, देन आर इज लेस देन एस, ठीक है। अब एस ये रहा तो इसको यहां से कनेक्ट कर लेते हैं, एस बराबर है ई के और ई बड़ा या बराबर है किसके, एफ के, देन उसके बाद में बेटा यहां से ये बी ई और सी कनेक्टेबल है, तो बी ई सी, तो ई ये रहा, ई बीच में है अपने, ठीक है। तो ई जो है ध्यान दीजिएगा ई बड़ा या बराबर है सी के, तो बेटा ई जो है और एस दोनों क्या है, बड़े होंगे, तो ई जो है बड़ा या बराबर होगा किसके, सी के, तो बेटा ई जो है बड़ा या बराबर है किसके, सी के बराबर है, ठीक है देखो। और बी बड़ाया बराबर है ई के, तो बी बड़ाया बराबर है ई के, तो बेटा देखो बी जो है वो बड़ाया बराबर हो जाएगा किसके, ई के। और साथ के साथ मैं फिर बता दूं, बी बड़ाया बराबर हो जाएगा एस और ई के, और ई बड़ाया बराबर है एफ के। तो ये तीनों चीजें अलग अलग अपने पास सिस्टम से यहां पर आ चुकी है। अब अपन देखते हैं बात को, चलिए बेटा बात को अगर अपन देखते हैं तो पहला क्या कहता है कि क्यू बड़ा है बी से। अब मेरे लाडलो क्यू बड़ा है बी से नहीं कह सकते, कैसे, समझो मेरी बात को। देखो एस बड़ा है आर से, आर से बड़ा है क्यू, तो क्यू और एस के बीच में हम कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। और बी बड़ा या बराबर है किसके, तो बी और क्यू के बीच में तो क्या आ जाएगा बेटा, संभावना, ये संभावना आ गई। एस बड़ा या बराबर है सी के, बिल्कुल बेटा यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि एस जो है बड़ा या बराबर हो जाएगा सी के, ये सही आ जाएगा। और सी बड़ा है किससे, आर से, नहीं बेटा सी आर से कैसे बड़ा होगा, आर एस बड़ा या बराबर है आर के और एस ई बड़ा या बराबर है सी के, तो सी और आर में भी हम कुछ नहीं कह सकते, संभावना हो जाएगा बेटा। तो केवल दूसरा सत्य है, यहां से जो आंसर आएगा बेटा वो आपका आंसर क्या जाएगा, केवल दूसरा सत्य है, ओनली सेकंड ऑप्शन इज द फुल ऑप्शन, क्लियर है।
आगे अपन बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट बड़ा गजब का सवाल है, ये क्या कह रहा है कि E ग्रेटर देन I और G लेस देन A को निश्चित रूप से सत्य बनाने के लिए, ठीक है, तो इस अभिव्यक्ति की जगह क्या लिखें। देखो E छोटा है I से, यानी I बड़ा है E के साथ, तो कौन सा लगाया जाएगा, तो I बड़ा है E से, तो भाई सीधी सी बात है ग्रेटर देन ही लगेगा, यहां तो ग्रेटर देन ही लगेगा ना भाई। देखो समझो अगर मैं इसको यहां लगाऊंगा तो आई जो है ई से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है बेटा ए बड़ा हो जाएगा जी से, तो ए जी से बड़ा होना चाहिए, तो बेटा यहां पर भी ये लगेगा, तो एक तो ये वाला और एक ये वाला सिंबल अगर दोनों जगह यहां लग जाता है तो देखो ए जी से बड़ा हो गया और इधर से आई जी से बड़ा हो गया, तो ऑप्शन डी आपका आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो 41वें क्वेश्चन में ऑप्शन जो डी होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ग्रेटर देन वाला भी ऑप्शन आ जाएगा और लेस देन वाला भी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो सवाल कह रहा है बेटा क्या कह रहा है, फड़फड़ा तो देखो जल्दी से, इस सवाल का आंसर आपको देना है, 30 सेकंड का समय आपको दिया जाता है, फटाफट बताएगा बेटा, शाबाश जल्दी से लपका दो क्या आंसर आ रहा है, खेच दो बेटा। जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा बेटा, अब तक तो आंसर फड़फड़ा दिया होगा आपका। देखिएगा बेटा ध्यान दीजिएगा, सेशन को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा बेटा। देखो यहां पर अगर मैं इसको एक ही लाइन में सेट करने की कोशिश करता हूं तो देखो क्या कह रहा बेटा, डी छोटा या बराबर है पी के, पी छोटा है आर के, आर बराबर है एफ के, देन एफ इज ग्रेटर देन एच, एच इक्वल टू के इज ग्रेटर देन एल, तो ये बेटा मैंने एक ही लाइन में इसको सेट कर दिया। अब बोल रहा है आर इज ग्रेटर देन के, तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल, हम देखते हैं कि R जो है कैसे बड़ा है बेटा बिल्कुल R जो है कैसे बड़ा होगा, बिल्कुल है, तो पहला तो बिल्कुल सही हो जाएगा बेटा, ठीक है। एंड D इज ग्रेटर देन R, देन D इज ग्रेटर देन R, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग बिकॉज ऑफ दैट R इज ग्रेटर देन D, ये सही है, तो ये गलत हो जाएगा, तो केवल जो पहला है वो आपका अनुसरण करेगा बेटा, ओनली A ऑप्शन जो है वो आपका अनुसरण कर देगा, केवल पहला ऑप्शन जो होगा वो आपका यहां से अनुसरण करेगा, क्लियर है या नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और अगले सवाल को देते हैं बेटा, अमली जामा पहनाया जाता है यहां पे। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए कथनों को सत्य मानकर इसको भी आप एक बार सटीक तरीके से जमाएं, और जमाने की अगर बेटा हम कोशिश करें तो देखिएगा बेटा यहां पर क्या आ रहा है कि D इज ग्रेटर देन C, C इज ग्रेटर देन इक्वल टू A, A इज लेस देन इक्वल टू B, B इक्वल टू F, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है जी, सी आ गया वो, अब देखो सी बड़ा है एल से, अब यार सी एल से बड़ा है, ध्यान दीजिएगा, तो C बड़ा है L से, L बड़ा है K से, K बड़ा या बराबर है G के, और C से बड़ा कौन है D, तो D यहां पर भी आ जाएगा, तो ये दोनों लाइनें अलग अलग कन्वर्सेशन में आपके पास आ जाएगी। अब देखो D से कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी देगा, ये मुझे पता था, तो बेटा ये ऐसे बोला कि D इज ग्रेटर देन G, तो बेटा यहां पर देखो ये C जब G से बड़ा है तो D तो होगा ही होगा, है ना, तो D तो होगा ही होगा, तो पहला तो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब C इज ग्रेटर देन G, तो देन यार जब D ही है तो C तो है ही है, ठीक है, तो C इज आल्सो ग्रेटर देन G, देन B इज ग्रेटर देन इक्वल टू K, B और K के बीच में आप कुछ भी नहीं कह सकते, दिस इज द पॉसिबिलिटी केस, है ना, तो B और K के बीच में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ये पॉसिबिलिटी केस है, तो पहला और दूसरा यानी ऑप्शन जो C होगा वो आपका सही और सटीक आंसर यहां पर रहने वाला है, ऑप्शन जो सी है बेटा वो आपका सही और सटीक आंसर यहां से रहने वाला है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात बताएं तो बेटा अगले प्रश्न में हम बात करते हैं गदाधारी भीमू, बेहतरीन सवाल है, इस सवाल का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, जल्दी से बताएं, पहले इसको जमा लें आराम से, तसल्ली से जमाने के बाद कमेंट सेशन में अपना आंसर दीजिएगा ताकि आपका आंसर आ सके और अपन इस पर बात कर सके। चलिए साइड में विराजमान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, x less than equal to u है, u is greater than equal to v है, then k is greater than m, m is greater than equal to a, a is equal to u, ठीक है, u तक आ जाएगा मामला, then v is greater than equal to n, n is greater than b, और ये वाला मामला,
तो देखो इसको कैसे सेट करना है, सेट करके मैं एक बार बता सकता हूँ आपको, उसके बाद में आप इसको चीलगाड़ी बना सकते हो बेटा कि देखो एक्स जो है वो छोटा या बराबर है यू के, यू बड़ा या बराबर है वी के। अब वी से यहाँ पर उठा लो, वी बड़ा या बराबर है एन के, एन बराबर है बी के, बी बड़ा या बराबर है आर के। अब यहाँ पर क्या है, के है, के एम और यू, तो ए और यू दोनों बराबर बोला जा रहा है, ए और यू दोनों बराबर बोला जा रहा है, तो बेटा यू के बराबर में मैंने ए लगा दिया और यहाँ पर भी मैंने ए लगा दिया है, ठीक है, तो ए भी बड़ा या बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है बेटा, आगे क्या बोल रहा है बेटा कि ए बड़ा या बराबर है एम के, तो बेटा ये जो है बड़ा या बराबर हो जाएगा एम के, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और एम से बड़ा हो जाएगा के, और एम से जो बड़ा हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, ये रहा। अब ये है, अब यहां पर क्या होगा बेटा कि ए और यू जो है वो बड़ा या बराबर है किससे, एक्स से भी बड़े बराबर है, तो ए और जो यू है वो एक्स से भी बड़े बराबर है, तो एक्स से भी बड़े बराबर आ जाएंगे, ये आपका आंसर आ गया बेटा। अब आप लोगों को दोनों को देखकर बताना है कि आंसर क्या आएगा, जल्दी से बता दीजिएगा मेरे लाडो, फटाफट तीतरी कर दे बेटा, सवाल को आग लगा दे, तीतरी कर दीजिएगा और फटाफट बाबू बना दो हाबू। ऑप्शन क्या कहता है, कहता है कि यू इज ग्रेटर देन आर, तो यार देखो यू जो है वो आर से ग्रेटर देन होगा, ये देखो, पर ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन हो सकता है, संभावना है, बराबर भी हो सकता है। देन यहां क्या कह रहा है, वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, अब बेटा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, हाँ ये सही है, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकता है आर के, ये वी, तो ओनली सेकेंड ऑप्शन जो होगा वो आपका फॉलो करेगा, यानी केवल बी ऑप्शन जो होगा वो आपका यहां से सटीक तरीके से आंसर दे सकता है, केवल बी, ठीक है, आंसर दीजिएगा बेटा, केवल बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सीरीज का क्वेश्चन है, सोचकर आपको बताना है कि आखिर क्या यहां पर आप लोगों का आंसर आ सकता है, बेहतरीन सवाल है, देंगे आंसर, अंतर निकालेंगे, तब तक आप इसको बाबू बना सकते हो बेटा। सीरीज आपके 100% सीरीज वाला क्वेश्चन आएगा बेटा, एक 200% मैं कह देता हूं, 200% सीरीज का क्वेश्चन आएगा एसएससी जीडी में, और आप फिर बोलोगे कि सर ये क्या कर दिया आपने, हे हरि राम, है ना, तो ये 40 हो गया, ये 84 हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, और ये 252 हो गया। तो आगे अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो 7 और 16 का जो डिफरेंस है ना, 16 का, तो कितना हो जाएगा बेटा, 3 और 6 9 का हो गया, यहां पे तो 9 का डिफरेंस आ गया, यहां पर कितने का डिफरेंस आ जाएगा बेटा, 10 में से 6 चले जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 4, और इधर 3 में से 1 चले जाएंगे, 2, यहाँ 24 का डिफरेंस आ जाएगा बेटा, यहां पर कितने का डिफरेंस है लाड दो, यहां पर मेरे मुझे लगता है 44 का डिफरेंस आ जाएगा। अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूं तो 9 और 15 24 15 का डिफरेंस है, और अगर मैं यहां पर डिफरेंस की बात करता हूं तो यहां 20 का डिफरेंस है। अब यहां पे प्लस है 15 और प्लस है ये, तो कितना डिफरेंस आया बेटा, यहां 5 का अंतर आया, तो अगर यहां पर भी 5 का अंतर आता है तो यहां पर 25 आता है बेटा, और 25 आता है तो बेटा 25 अगर इसमें जुड़ जाता है तो 5 और 4 9 आ जाते हैं, और 4 और 2 कितने हो जाते हैं बेटा, 6 आ जाते हैं, 69 जो है वो यहां पर जुड़ना चाहता है। अब 69 किस में जुड़ेगा, वो 84 में जुड़े, तो 84 में अगर 69 जुड़ता है तो 9 और 4 13 हंस लगी, 1 14 और 1 15 153 जो होगा वो आपका सही और सटीक आंसर रह सकता है बेटा, तो ऑप्शन जो डी है वो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 सीरीज का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका आंसर आएगा। क्या मैं समझा पाया भाई, क्या मैं आप लोगों को ये जो प्रश्न है वो मैं समझा पाया कि नहीं समझा पाया, जल्दी से बताएंगे लाडो, ठीक है। अगले सवाल पर आप लोगों को कोशिश करनी है, बताना है कि क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 46 फटाफट आंसर बताएंगे, गजब की ताकत है, यह आंसर बता के अपने आप को बिल्कुल पतली गली से बचा के मत ले जाओ, जल्दी से आंसर दीजिएगा बच्चा बाल्टी, देखो समझो, यहां मुझे ऐसा लगता है बहुत कारीगरी के साथ आप लोगों के साथ में खेल खेला गया है, और
ये खेल जब तक नहीं रुकेगा जब तक चलेगा। बेटा दो को चार से गुना किया आठ, चार अठे 32 और आठ दूनी 16, 38 24 25। अब 32 को 256 से गुना कर दो, ये ऐसे कहना चाहता है। तो दो छिंग 12 का दो हाथ लगी एक, दो पंजे 10 और एक 11 हाथ लगी एक, दो दूनी 4 और एक 5 512। तीन छिंग 18 हाथ लगी एक, तीन पंजे 15 और एक 16 का 6 हाथ लगी एक, तीन दूनी 6 और एक 7। जब इनको जोड़ेंगे तो 2 आएगा 9 आएगा, 5 पाँच 10 और 11 का एक हासिल किया 81, जो 92 में आपका आंसर है वो आपका सही और सटीक आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 में 81 92 में आपका सही। और भाई रम मारिया भाई ले बैठा कड़कड़ाहट, देखो भाई फटाफट फटाफट ये क्या आ रहा है, 9 है या 3 है या क्वेश्चन मार्क आएगा, फिर उसके बाद 1/3 आएगा और उसके बाद 1/9 आ रहा है। तो आप लोगों को बताना है कि बेटा यहां पर जो आंसर्स होंगे वो किस तरीके से होंगे। तो आंसर जब आप लोगों को बताना है तो तरक्की से बिल्कुल बैग झिझक होके यहां पर आंसर आप लोगों को आंसर देना होगा। सोचो आखिर क्या घटना घट रही होगी इसके साथ कि यहां पर आ रहा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है पर लगना तो चाहिए कि देखो यार यहां पर अगर मैं बात करता हूं नौ की, तो नौ में अगर मैं तीन का भाग लगाता हूं तो तीन तिया नौ आ जाता है। फिर अगर तीन में मैं तीन का भाग लगाता हूं तो एक आ जाता है। फिर एक में मैं अगर तीन का भाग लगाता हूं तो 1/3 आ जाता है। फिर 1/3 में अगर मैं तीन का भाग लगाता हूं तो 1/9 आ जाता है। तो ये तीन का भाग लगा लगा क्या आ रहा है बेटा, तो यहां पर जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। यहां पर जो आंसर आ जाएगा वो एक आएगा कि नहीं आएगा भैया, तो ये आपका एक आंसर आ गया है, ठीक है। एक उत्तर ये रहा, क्लियर है बेटा, एक आंसर आएगा कि नहीं आएगा भाई, ठीक है, क्लियर है कि नहीं जल्दी से बताएंगे भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उरा भाई रम मारे रे भाई ले बेटा कड़कड़ाहट, ये तो गंभीर मुद्रा है। यहां पर मुझे तो कुछ बेहतरीन से बेहतर ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आप भी देखेंगे बेटा। चार है, 25 है, 121 है, क्वेश्चन मार्क है, और फिर 529 है और 961 है। यार ये जो स्क्वायर है दो का स्क्वायर है, ये पांच का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है। 529 जो होता है वो 23 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 31 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हाउ कुड बी पॉसिबल कि ये कैसे आ रहा है, जल्दी से बताओ। अंतर पे अंतर आ रहा है क्या? जैसे अगर मैं अभाज्य संख्या लिखता हूं तो अभाज्य संख्या क्या क्या होती है, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 32 ये तो होती है। तो सबसे पहले दो का लिया इसने, ऐसा हुआ कि सबसे पहले दो का लिया, फिर एक छोड़ दिया पांच का लिया, फिर दो छोड़ दिए ग्यारह का लिया, फिर कितने छोड़ेगा, एक दो तीन, तीन छोड़ दिए तेईस का लिया, ऐसे ये छोड़ेगा, ऐसे छोड़ेंगे क्या यार, नहीं नहीं 11 के बाद 13 का आएगा ना स्क्वायर या 17 का आएगा, एक छोड़कर एक, पहले एक छोड़ा फिर दो छोड़े, अब एक छोड़ेगा तो 17 का स्क्वायर फिर 23 का स्क्वायर। जल्दी बताओ यार यहां मामला बैठ नहीं रहा, फटाफट बताएंगे बेटा जल्दी से। ऑप्शन में आपका जो भी आंसर होगा जल्दी से आंसर दीजिएगा, गजब की ताकत है बेटा, फटाफट आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 46 48 है भैया, लपका दो। तो आंसर तो वही है जो मैंने बताया, खैर जो सोच रखा था कि ये ऑप्शन एक छोड़कर एक है ना, वैकल्पिक अभाज्य संख्या वाला मामला है, तो यहां 17 का आएगा, 17 का जब हो जाएगा तो 289 आ जाएगा बेटा, 289 आ जाएगा, एक छोड़कर एक आ रहा है, ये वैकल्पिक अभाज्य संख्या है ना, तो 289 आ जाएगा, ठीक है समझ गए। तीन छोड़ गया फिर पांच से नो अभाज्य संख्या थोड़ी होती है, इसी ने तो कड़ा चुक कर दिया अपने को, नो नहीं होती। अब देखो एक छोड़ दिया, दो के बाद पांच, पांच के बाद ग्यारह, ग्यारह के बाद 17, 23 और 31 तो 289 जो होगा वो आपका आंसर होगा बेटा, ठीक है। अगला सवाल, ये भी गजब का सवाल है, चलिए देखिए क्या कह रहा है। 283, 94,
31 और 10 क्वेश्चन मार्क, जल्दी बताओ। यहां पे क्या हुआ कि अगर मैं यहां से आगे बढ़ता जाऊंगा तो बेटा 10 है, 10 को 3 से गुणा करूंगा 30, 30 प्लस का 1 31 आ जाएगा। अब 31 को भी मैं 3 से गुणा करूंगा, 3 एकम 3, 3 3 9, 93 प्लस 1 94 आ जाएगा। तो ऐसे ही बेटा 94 को 3 से गुणा कर प्लस का 1 किया जाएगा तो 283 आ जाएगा। तो 10 कैसे आएगा, 10 तब आएगा जब 3 को 3 से गुणा कर प्लस का 1 करोगे, तो यहां पर 3 आएगा, तो 3 स्टार्ट होगा, तभी आपका आंसर ये होगा डी ऑप्शन, है ना। तो यहां पर 3 आ जाएगा, तो यहां पर आप जाएगा, आपका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, क्लियर बेटा। और ये जो सवाल है वो आप लोगों का, अरे गजब का सवाल है बेटा, ये भी गजब का सवाल है बेटा, क्या कह रहा है, इस पर तो कुछ ना कुछ बारूद फैला देना है। ये जो आंसर आपका आ रहा है ये 2359 है, अब आप जल्दी से बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। जल्दी से बता दे बेटा क्या आंसर होगा, आखिरी क्वेश्चन कैसे आप लोग अपडेट करेंगे, जल्दी से बताएं। चलिए जल्दी से देखो यहां पर क्या है, इसने खेला 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 क्या खेला कि 3 गुणा में 6 और प्लस का 1 क्या, 3 छह 18 और 1 19। अब 19 को गुणा में 5 और प्लस के 2 कर देंगे, 19 पंजे 95 और प्लस के 2 97। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, ये 97 गुणा में 4 और प्लस का 3 कर देंगे, 4 सत्तर 28 391 आ जाएगा। फिर 391 गुणा में 3 और प्लस का 4 कर देंगे, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, 3 एकम 3 तो ये आ गया, और 3 नाम 27 का 7 असल की 2, 3 3 9 2 11, तो प्लस के 4 कर देंगे बेटा, तो 73 में 4 जोड़ देंगे तो 77, तो 1177 जो होगा वो आपका सटीक रूप से आंसर आ जाएगा। तो बेटा ये रहा 1177। तो लाडलो एसएससी जीडी का जो हमने आप लोगों के लिए जो क्वेश्चंस थे, तो आज के दिन भी जो कि हमारा राष्ट्रीय पर्व है उस दिन भी हमने आप लोगों के साथ मिलकर यहां पर आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। और मैं फिर बताता हूं कि इस राष्ट्रीय पर्व के उपलक्ष पर उत्कर्ष परिवार आप लोगों के लिए लेकर आया है बहुत ही खास उपहार, जहां दोस्तों इस गणतंत्र दिवस पर पाए नाम मात्र शुल्क में बेहतर शिक्षा एसएससी के सभी लाइव एंड रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% की शानदार छूट है। और प्ले स्टोर पर जाकर अपने उत्कर्ष एप्लीकेशन को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे लाडलो, धन्यवाद।